नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ रिशा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अयोध्या पर रिव्यू पटिशन दाखिल करेंगे AIMPLB। मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन मंजूर नहीं, बोर्ड ने मांगी बाबरी मस्जिद की जगह। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, शिव सैनिकों ने की नारेबाजी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले पर बोले इकबाल अंसारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, आगे नहीं करेंगे रिव्यू पिटीशन। और अब खबरें विस्तार से। भारत नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, आपको बता दें कि भारत नेपाल की सीमा पर ये तस्करी बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर महाराजगंज जिले से लगी सोनाली सीमा पर रविवार को पुलिस और SSB जवानों की संयुक्त टीम ने घर में छापेमारी कर 440 ग्राम हेरोइन के साथ चार तस्करों को भी गिरफ्तार किया। इसमें एक महिला भी शामिल है। बरामद मादक पदार्थों में हेरोइन का अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वे कई सालों से इस कारोबार में लिप्त हैं। वहीं इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट पर लगातार हो रहे बवाल पर अब संत ट्रस्ट ने एक मीटिंग बुलाई। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट पर लगातार बवाल होता जा रहा है, जिसको लेकर ये मीटिंग संत समाज की ओर से बुलाई गई। वहीं बैठक में संत समाज ने स्पष्ट किया गया कि संत समाज हर तरीके से कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है। वहीं संत समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास ने कहा कि मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि संतों में ट्रस्ट को लेकर महासंग्राम है, जबकि बैठक में साफ दिखाई दे रहा है कि संतों में कोई विवाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला लिया है वह प्रेम और सद्भाव और सदाचार का है। फैसले में हिंदू जितना प्रसन्न है उससे ज्यादा मुसलमान प्रसन्न है। संतों की बैठक इसलिए हुई कि मीडिया में चारों तरफ से यह सूचना मिल रही है कि संतों में महासंग्राम है, रामलला के जन्मभूमि के विवाद आने में भयंकर संघर्ष है। इसलिए सभा बुलाई गई कि संतों में कोई मतभेद नहीं है, सभी संत प्रेम से, अमन चैन से, शांति से हैं। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो प्रेम, सद्भाव, सदाचार के बढ़ाने वाला है। सब संत महंत प्रसन्न हैं कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और जितना हिंदू प्रसन्न है उससे अधिक मुसलमान प्रसन्न है कि यह 500 वर्ष का विवाद समाप्त हुआ, अब देश का विकास होगा। वहीं रुदोली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम समाज की ओर से जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की ओर से जमीन को लेकर ये विवाद किया गया, जहां पर इसमें मारपीट में दो महिलाओं समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदोली में भर्ती करवाया, जहां युवक की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचते ही गंभीर रूप से घायल युवक ने दम तोड़ दिया। CO रुदोली ने कहा कि मामले में तुरंत धारा 307 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद धाराओं में बढ़ोतरी की जाएगी। आरोपियों को गिरफ्तारी और छापेमारी भी की जा रही है। हमारे कोतवाली रुदौली क्षेत्र के मुस्काबाद गांव में सुबह दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेके झगड़ा हो गया था, जिसमें लाठी डंडे चले थे। इसमें सुखदेव वर्मा की तहरीर पर एक अभियोग कोतवाली में 147, 308, 323, 504, 506 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था, और जो घायल थे उनका इलाज CSC रुदौली पे हुआ। उसमें गंभीर रूप से घायल सुखदेव वर्मा के लड़के दिलीप वर्मा थे, जिनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, जिनकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। इसमें उचित धारा में अभियोग को तर्मीन करके और आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी के जो विपक्षी है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कोतवाली के हाथरस जंक्शन में समाधान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि समारोह के आयोजन में तहसीलदार, कोतवाली प्रभारी, आमजन की समस्या सुनी गई, साथ ही सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जनता को संतुष्टिपूर्ण आश्वासन दिया गया। हाथरस जंक्शन कोतवाली में पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 45 क्वार्टर शराब भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
हाथरस जंक्शन कोतवाली के अंदर थाना प्रभारी को और स्टाफ को समाज सेवियों ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि समाज सेवियों द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। वहीं कोतवाली जंक्शन में लाठपुर गांव में मिले 8,77,000 के नकली नोटों का खुलासा किया गया था। दरअसल दो युवकों द्वारा एक दुकानदार को फंसाने की नीयत से नोटों की दुकान में रख दिया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए साजिशकर्ता को जेल भेज दिया। वहीं पुलिस की कार्रवाई से खुश होकर समाज सेवियों ने स्टाफ को सम्मानित किया। वहीं अयोध्या फैसले के बाद रामलला के दर्शन करने पहुंची पूर्णिमा कोठारी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला के दर्शन करने पूर्णिमा कोठारी पहुंची। वहीं अयोध्या पहुंची पूर्णिमा कोठारी ने दर्शन करने के साथ साथ मंदिर निर्माण कार्यशाला भी जानी, जहां पत्थरों को छूकर मंदिर निर्माण की अनुभूति की और उसी दौरान अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि हर वर्ष इन पत्थरों में अपने भाइयों की छाया ढूंढते आती हूँ। वहीं आज एहसास हुआ कि अब हमारे भाइयों का बलिदान सार्थक हुआ। आज कार्यशाला में आए हैं और इतने सालों के बाद अब लग रहा है कि जल्दी से मंदिर बनने वाला है, तो लग रहा है कि ये पत्थर जो कमी रह गई है, जो बच गए हैं, जैसा मैंने सुना कि अभी 65% ही बना है, तो लग रहा है कि वो बाकी 35% है वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाए और ये मंदिर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा। मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट पर 41 गोवंश बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गोवंशों की तस्करी की जा रही थी, वहीं पुलिस ने चेक पोस्ट के ऊपर 41 गोवंशों को बरामद किया। आपको बता दें कि मामला मध्य प्रदेश के शाजापुरा जिले के सुनेरा थाना अंतर्गत उकावता पुलिस चेक पोस्ट का है, जहां मुखबिर की सूचना पर कंटेनर में ले जाए गए 41 गोवंश बरामद किए गए। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिली कि एक ट्रक है, कंटेनर है, जिसमें गोवंश अवैध रूप से भरा हुआ आ रहा है। उसकी सूचना की तस्दीक के लिए हमने चौकी के सामने ये नाकाबंदी कर दी थी। फोर्स की सहायता से एक कंटेनर था, उसको रोका। उसमें एक ड्राइवर, एक उसका साथी सवार था, उन दोनों को गिरफ्तार किया, पकड़ा वहाँ पर। और जो उसमें ट्रक की जांच की तो उसमें 40 बैल भरे हुए थे अवैध रूप से, ठूस ठूस कर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। उस समय उनको जब्त किया ट्रक को और बैलों को ले जाकर घूमतली गौशाला है। महाराजगंज जिले में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महादान के स्लोगन के साथ महाराजगंज जिले के मारवाड़ी युवा मंच ने इस शिविर का आयोजन किया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार समेत 200 लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। रक्तदान शिविर में जिलाधिकारी ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खुद रक्तदान किया, साथ में पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान भी उपस्थित रहे। वहीं बेगूसराय में अपराध अब बढ़ते जा रहे हैं और अपराधियों के दुस्साहस भी बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों के दुस्साहस को देखते हुए लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर उतरे और आक्रोश मार्च निकाला गया, जहां जिला प्रशासन की अर्थी जलाई गई। दरअसल पिछले 6 माह में बेगूसराय में व्यवसायियों को अपराधी लगातार निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही 12 नवम्बर को सुबह अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी से 9.25 किलो सोना लूट लिया और इस दौरान चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 कारोबारियों की गोली मारकर घायल कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इसके साथ ही पिछले 6 माह में लगातार अपराधी व्यवसायियों में रंगदारी की मांग, रंगदारी को लेकर व्यवसायियों की हत्या, शहर में चोरी की घटना हुई है। इससे नाराज व्यवसायी प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे। वहीं बेगूसराय पुलिस ने 18 अक्टूबर को हुई लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाली आरोपियों का अब पता लगा लिया है और अब मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बेगूसराय पुलिस ने 18 अक्टूबर को हुए फाइनेंस कर्मचारी से लूट मामले का खुलासा करते हुए लूट में शामिल 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। वहीं अपराधियों के साथ हथियार भी बरामद किए गए। दरअसल चेरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के आकोपुर के निकट HS-55 पर दरभंगा के एक फाइनेंस कर्मचारी से 12 लाख रुपए और टैबलेट की लूट हुई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद चेरिया बरियापुर थाना पुलिस ने गोपालपुर गांव के कुख्यात अपराधी दीपक कामती और उसके साथी रुपेश कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्तौल, 3 कारतूस और लूटी गई रकम के 10 लाख और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। मुख्यालय DSP कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर को फाइनेंस कर्मचारी से लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस टीम बनाकर छापेमारी की गई। 18-10-19 तारीख को भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के मैनेजर के साथ
एक लूटपाट की घटना हुई थी जो कि एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराध कर्मियों के द्वारा उनका करीब 1,20,000 रुपया एवं बायोमेट्रिक टैब लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। और इसी में गुप्त सूत्रों के आधार पर ये एक टीम का गठन हुआ था छापेमारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मझौल के नेतृत्व में, जिसमें कि पुवानीय नीरज कुमार सिंह थानाध्यक्ष चिरिया बरियारपुर एवं अनि कामेश्वर कुमार सिंह, सहानी अजय कुमार सिंह और इन सभी लोगों को मिलाकर के टीम बना था। गुप्त सूत्रों के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और छापेमारी के दरमियान में इस लूट की घटना में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल एवं अभियुक्त दीपक कामती पिता मुकेश कामती साकिन शकरौली थाना चरिया बरियारपुर एवं रूपेश सिंह पेशर राजेंद्र सिंह उर्फ राजनारायण शर्मा साकिन आकोपुर थाना चरिया बरियारपुर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। वहीं बेगूसराय में कायस समागम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बेगूसराय में कायस समागम का आयोजन किया गया जिसमें अखिल भारतीय कायस महासभा बेगूसराय इकाई द्वारा शहर के दिनकर कला भवन में कायस समागम का आयोजन हुआ। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि नंदन सहाय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र मालिक, प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सहित देश प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा महासभा के अधिकारी और सैकड़ों कायस्थ महासभा के लोगों ने हिस्सा लिया। समागम का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया, वहीं जिसके उपरांत भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। यूपी के बाराबंकी के दरियाबाद में नाम रोशन किया गया है। आपको बता दें कि यूपी के बाराबंकी के दरियाबाद के अंतर्गत आने वाली ग्राम मियागंज के निवासी मोहम्मद अहमद ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले का नाम रोशन किया। मोहम्मद अहमद ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 98 रैंक हासिल की। रिजल्ट आने के बाद अहमद के घर पर बधाइयों कर देने वालों का तांता लग गया। नवतेज टीवी के संवाददाता ने अहमद से बातचीत कर खुशी जानी। यहाँ जो मेरी तालीम की जो शुरुआत हुई वो इसी गांव में एक छोटा सा स्कूल है, उधर जब आप आए होंगे तो वहाँ पे मदरसा फैज़ुल कुरान, वहाँ पे मुझे जो उस्ताद थे, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब मरहूम, हाफिज़ आज़म साहब, हाफिज़ सगीर साहब, हाफिज़ शब्बीर साहब, इन लोगों ने मुझे कलम पकड़ना सिखाया और डॉक्टर हमीद साहब ने मुझे इंग्लिश में ABCD सिखाया। तो यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत हुई। मुझे ये आइडिया भी नहीं था, ना मुझे ये अंदाज़ा था कि इस मुकाम पे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश जो उत्तर प्रदेश सेवा चयन, उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 1450 लोगों ने प्रतिभाग किया था, जिनमें मेरी रैंक 58 है, 58वीं रैंक पर मेरी नियुक्ति हुई है। और उसके बाद में जो खुशी का माहौल था वो जाहिर सी बात है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, भगवान से अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि और ज़्यादा तरक्की करें। मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है और यही उम्मीद है कि गांव के बच्चे और दरियाबाद क्षेत्र के बच्चे जो है कुछ इंस्पायर होंगे और अगली पीढ़ी जो है ये अहमद जी से विशेष प्रेरित होगी और अच्छे बच्चों की नई सीरीज चालू होगी जो आगे बढ़े। जो बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र रहा है और विद्यालय की जो उपलब्धियाँ हैं इनसे विद्यालय गौरवान्वित हुआ है समय समय पर, उसमें एक कड़ी का और प्लस हुआ है। उसने अपने छात्र जीवन से लेकर के तब तक अभ्यास, परिश्रम और संस्कारों से जुड़ करके जो उपलब्धि प्राप्त की है, तो एक शिक्षक और एक प्रधानाचार्य के रूप में मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। और अभी के लिए नवतेज टीवी में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी।